मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आतंकी हमले में श्रीलंका में कई बेगुनाहों की मौत हो गई थी, मगर अभी भी श्रीलंका में हालात ठीक नहीं है। श्रीलंका में एक छोटी सी चिंगारी भी आग का रूप ले रही है। श्रीलंका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र चिलाऊ में एक फेसबुक पर विवादित पोस्ट के बाद भीड़ ने स्थानीय मुस्लिम समुदाय पर हमला कर दिया। भीड़ ने 3 मस्जिदों को भी निशाना बनाया। मुस्लिम समाज के दुकानों को आग के हवाले कर दी और मारपीट भी की गई। आपको बता दें कि ईसाई बहुल आबादी वाला यह शहर श्रीलंका के पश्चिमी तट पर है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शहर में कैथोलिक, ईसाई और मुस्लिम के बीच शनिवार से ही तनाव बढ़ रहा था। दोनों समुदाय के बीच कई बार टकराव भी हुआ, मगर अचानक फिर टकराव बढ़ गया और जिसके बाद 3 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाई गई। मुस्लिमों के साथ मारपीट कर उनके दुकानों को आग लगा दी गई, जिसके बाद श्रीलंका की सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। मगर रविवार को जैसे ही गिरजाघर खुलने के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क गई, मगर शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए थे, जिसके बाद हालात नियंत्रण में लाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इसी तरह श्रीलंका के नेगोबो शहर में भी इस माह के पहले सप्ताह में ईसाई और मुस्लिमों के बीच में भी झड़प हुई थी। नेगोबो शहर भी ईसाई बहुल शहर है। 21 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की घटना के बाद श्रीलंका की सरकार ने गिरजाघरों में श्रद्धालुओं को पहचान पत्र दिखाकर जाने की अनुमति दी है। इसके अलावा सड़कों पर सैन्य बल और पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।